हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जी हाँ, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से कुछ बड़ी अपडेट्स हम आप सभी के सामने लेकर हाजिर हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है पूरी खबर, खुशखबरी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग रिजल्ट से संबंधित कुछ बड़ी अपडेट आप सभी के सामने हम लेकर हाजिर हैं। जी हाँ, इस सप्ताह दो रिजल्ट जारी करेगा आयोग। जी हाँ, इस सप्ताह दो रिजल्ट जारी करने की तैयारी में आयोग। एक रिजल्ट पिछले सप्ताह ही आ जाना था, लेकिन आयोग ने रिजल्ट के चक्कर एग्जाम्स के चक्कर में काफ़ी बवाल हो गया, इस वजह से रिजल्ट जारी नहीं हुए। जी हाँ, लेकिन अब इस सप्ताह उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग निश्चित रूप से एक रिजल्ट जारी कर देगा। कौन सा वो रिजल्ट होगा, तो चलिए देखते हैं तैयारी पूरी, कौन कौन से रिजल्ट जारी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इसी तरह के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है खबर। तो जैसा आप सभी को पता है कि इस महीने कई रिजल्ट जारी करने वाला था उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लेकिन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में नए अध्यक्ष बदल जाने की वजह से अब कुछ इस भर्ती प्रक्रिया में थोड़ा सा बदलाव आया है। क्योंकि पुराने अध्यक्ष के हिसाब से जो भर्ती प्रक्रियाएँ चल रही थी उसमें कुछ बदलाव आया गया है, क्योंकि जो भर्ती प्रक्रियाएँ चल रही हैं अब वो नए अध्यक्ष के अनुसार चलेगी और प्रवीर कुमार नए अध्यक्ष हैं। तो चलिए ऐसा हम सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात करते हैं कि इस सप्ताह जो है कौन कौन से रिजल्ट आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जिसमें कि सबसे बड़े रिजल्ट्स आने वाले हैं, इसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण रिजल्ट जो है, जो जिसका कि इंतज़ार काफ़ी दिनों से अभ्यर्थियों का, इसमें है कि यहाँ पे सम्मिलित तकनीकी सहायक अनुदेशक यहाँ पे प्रतियोगात्मक परीक्षा का रिजल्ट होने वाला है। जी हाँ, ये रिजल्ट हो सकता है। जी हाँ, इसमें की हम बात करते हैं तो इन तीन में से दो रिजल्ट निश्चित रूप से आएंगे। एक रिजल्ट ये खादी ग्रामोद्योग का ये रिजल्ट आ सकता है। इसके अलावा हम बात करते हैं तो कौन सा रिजल्ट इसके अलावा आ सकता है उसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि जो लोअर टू का रिजल्ट है, ये भी रिजल्ट इस सप्ताह में आ सकता है। जी हाँ, इन दो, या तो खादी ग्रामोद्योग का रिजल्ट आएगा या तो आपके सामने लोअर टू का रिजल्ट आप सभी के सामने अगले इस सप्ताह तक आप सभी को देखने को मिल जाएगा। तो इसमें से एक खादी ग्रामोद्योग के अलावा लोअर टू का रिजल्ट इसी सप्ताह आने की संभावना है। इसके अलावा जो सबसे एक महत्वपूर्ण रिजल्ट जो कि काफ़ी दिनों से पेंडिंग में चल रहा है, जिसका कि उम्मीद थी कि इसी महीने इंटरव्यू भी हो जाएंगे, लेकिन अब वो रिजल्ट फंसा दिया गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कनिष्ठ सहायक 2016 बैकलॉग की परीक्षा, जो कि कनिष्ठ सहायक की हुई थी, जिसकी कि टाइपिंग परीक्षा भी नवम्बर महीने में पूरी हो चुका है। टाइपिंग की परीक्षा का रिजल्ट पहले नवम्बर महीने में ही आयोग निकालने वाला था, लेकिन अभी तक दिसंबर बीतने वाला है, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। लेकिन उम्मीद है कि इस सप्ताह के अंत तक ये भी रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो हमने तीन की बात की है, जो कि एक कनिष्ठ सहायक बैकलॉग का है, उसके अलावा लोअर टू का, उसके अलावा खादी ग्रामोद्योग का। इन तीन रिजल्ट्स में से बड़ी अपडेट हम आपको बताते हैं कि दो रिजल्ट्स निश्चित रूप से इस सप्ताह, यानी कि इस सप्ताह शनिवार तक आपको देखने को मिल जाएंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पर। तो ये बड़ी अपडेट रही कुछ रिजल्ट से संबंधित। काफ़ी अभ्यर्थी हमसे लगातार आस्किंग कर रहे हैं, यानी कि पूछ रहे हैं कि सर रिजल्ट कब आएगा, उसी संबंध में हमने ये अपडेट दी है। पिछले दो तीन दिनों से नेट की समस्या की वजह से हम कुछ चीज़ें नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब सारी चीज़ें सामान्य हो चुकी हैं। तो हम आपको सारी अपडेट्स जल्द से जल्द जितनी भी चीज़ें होंगी पता करके हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट रही है, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।